जनपद संभल के चंदौसी में रहने वाले व्यक्ति ने निजी कंपनी पर लगाया किराया न देने का आरोप। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी का है, जहां पर भगवती बिहार कॉलोनी में रहने वाले विपिन यादव ने अपने मकान में बना एक हॉल एक कंपनी ई स्टोर इंडिया को किराए पर दिया था, जिसका किराया 45,000 माह तय हुआ था। कंपनी ने कुछ समय तक तो किराया दिया, लेकिन उसके बाद किराया नहीं दिया और कुछ समय के बाद किराया देने की बात कही, लेकिन कंपनी की ओर से अब तक बकाया किराया नहीं दिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने कंपनी के पते पर नोटिस भेजा। वह भी वापस आ गया, वहां से पता चला कि कंपनी वहां से अपना स्थान बदल चुकी है, जिसके बाद पीड़ित कानूनी कार्यवाही में जुट गया है। कंपनी आई थी स्टोर इंडिया, हमारा बेटा है, इसके नाम पर हमने इसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, जिसका नाम विपिन यादव है। ई स्टोर इंडिया कंपनी आई थी, वो नोएडा से, इन्होंने हमसे एग्रीमेंट किया कि 45,000 रुपये महीने पे हम आपको रेंट पे रहेंगे, यहाँ ग्रोसरी शॉप खोलेंगे। इनका बीच में कोई एम्प्लॉय आए और पूरा ये खोली थी दिसंबर 2021 में, 7 महीने तक का किराया इन्होंने दिया 40,500 रुपये, बाकी TDS के क्लेम जो करते हैं उसके लिए इन्होंने फॉर्म 16 वगैरह कुछ नहीं दिया, हम इनसे बोलते रहे। जुलाई के बाद किराया आना बंद होता रहा, इसमें जो बंदे बैठते थे जो इनके सबलेट इन्वेस्टमेंट जो बता रहे हैं हमने कंपनी से इन्वेस्ट किया, वो नरोली की एक पार्टी है, वो बोलते रहे कि अभी किराया मिलेगा, आ रहे हैं, मीटिंग हो रही, बात हो रही, बीच बीच में वो आते रहे, स्टोर खोलते रहे और ऑडिट करते रहे। उसके बाद कुछ दिन बाद इन्होंने ऐसी हवा उड़ाई कि भाई ये नवंबर के महीने में दीपावली के आसपास कि ये वो कंपनी है, क्या नाम इसका है, एक्रेडिया, उससे उनका डील हो गया मालिक का, वो एक्रेडिया कंपनी पेमेंट कर रही है, अंकल आपका पैसा पूरा मिल जाएगा। नहीं आया, फिर हमने जनवरी में टोका, ये पर्सनली दोनों आए थे, इसमें इनका नाम है एक हसन वकील अहमद हसन नाम के दो व्यक्ति, इन्होंने स्टोर खुलवाया था, ये आके बात की, इन्होंने कंपनी से हमारा एग्रीमेंट करवाया था। जनवरी में हम इनको बोला आप किराया दीजिए, हमारा खाली करिए, बोला हाँ अंकल देखते हैं पैसा मिल जाए मिल जाएगा। फिर मार्च में मीटिंग हुई और 2 बार मीटिंग हुई, मीटिंग में भी इनसे बोला भाई आप अपना सामान अपना ले जाएं और हमारा किराया अभी तक का दे जाएं। आज के दिन में करीब 6,68,000 अराउंड करीब हमारा किराया है। बिजली का मीटर इन्होंने लगवाया क्या, 8 किलोवाट का बिजली कनेक्शन दीजिए, वो भी हमने अपने बेटे के नाम पर कराया था, उसका भी बिजली का पेमेंट नहीं दिया, कनेक्शन कटे हुए कई महीने हो गए। जब बिजली के कनेक्शन के लिए हम ऑफिस में बिजली विभाग में गए तो उन्होंने बताया कि इसका 48,138 रुपये पेमेंट है, फिर इसको आप भुगतान करिए, उसके बाद कनेक्शन कटेगा 8 किलोवाट का, तब 2 किलोवाट का मिलेगा, वो भी हमने पेमेंट किया, वो भी बिजली का बिल पेमेंट नहीं किया। आप इनको मीटिंग करके बोलने के बाद ही बोला कि भाई आप अपना थोड़ा बहुत पैसा कम करें तो हम आपको दे देंगे, लेकिन वो इस बात भी एग्री नहीं हो, ताला चाबी भी नहीं दिया। बीच में कई लोगों से बातचीत हुई थी, तो ये जब इनको बोला भाई आप अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं तो आप अपने आ जाइए मानवता के तौर पर, तब ये पैसे की डील होती है तो बोलते साहब हमारा कोई मतलब नहीं, आप कंपनी से बात करिए। फिर आप क्या चाहते हो कंपनी का डील? फिर उन्होंने बोला डायरेक्शन दे दिया कंपनी से डील करिए, हमारी कंपनी का है, हम ऐसे नहीं दे सकते। हमने फिर कंपनी को नोटिस दिया, वो नोटिस देने के बाद भी उसमें पता चला कंपनी वहाँ से है ही नहीं, लेफ्ट आउट हो गई है, और वो पूरा डाक हमारे पास वापस आ गई। फिर हमने इनको बोलने के बाद भी ये एग्री नहीं हुए, तब हमने बोला कि हमारा 13 महीने किराया नहीं दे रहा है, मीटर भी चेंज होगा, हमारा नुकसान हो रहा है, हमने ये फिर ये बिल्डिंग तो खोला है ताकि हमारा नुकसान ना हो। अभी भी कोई आना चाहे तो हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, जिसका भी सामान है जो इन्वेस्टर है नरोली के या कंपनी वाले ले जाए, हमारा किराया दे जाए, इसके अलावा हम इससे ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। हमारा क्योंकि ऊपर परिवार रह रहा है, इसमें राशन का सामान रखा है, बैक्टीरिया कीड़ा मकोड़े पैदा हो रहे हैं, बिल्डिंग खराब हो रही है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान हो सकता है, इस वजह से हमने इसको ताला खोला है ताकि ये अपना हिसाब किताब कर जाए, नहीं होगा तो फिर इसका हम डिस्पोजल करेंगे।